बीच घुमा दूं, आज चलती क्या। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं अपने घर में हूँ, दिल्ली में। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया तो नॉर्मली आएगा आपको मनाली, शिमला, आगरा, अमृतसर, और साउथ में चले जाओ तो कुर्ग आएगा, ऊटी आएगा, गोवा आएगा। तो तमाम वो जगह आएंगी जो ऑलरेडी सभी जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, और पॉपुलर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जाते भी हैं घूमने, जिसकी वजह से ये जगह अब क्राउडेड हो गई है। नो डाउट ये अच्छी जगह है, इसीलिए लोग जाते भी हैं ज़्यादा। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको अपने हिसाब से कुछ डेस्टिनेशन बताऊंगा इंडिया में, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में, जो कि आपको 2020 में कवर करना चाहिए। तो सबसे पहला है मुन्नार। मुन्नार केरला में पड़ता है, और अगर आप मुन्नार पहुँचना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में कहीं से भी हो, तो आप पहुँचो कोची, और कोची से मुन्नार का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर। तो वहाँ से आप बाय बस या टैक्सी जा सकते हो आराम से, रोडवेज वाली बसें बहुत चलती हैं, 4 से 5 घंटे में आप मुन्नार पहुँच जाओगे। मुन्नार बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, और केरला का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है वो। और वैसे तो पूरा का पूरा केरला ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, केरला को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो मुन्नार नॉर्मली फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, चाहे पर होम मेड चॉकलेट्स के लिए, और ही सीनिक ब्यूटी के लिए। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ है अच्छी, वहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह भी हैं मुन्नार में। तो ओवरऑल बहुत ही उम्दा जगह है, और यहाँ पे बेस्ट टाइम है जाने का मानसून। मानसून में आप जाओ वहाँ पे, नो डाउट मानसून के टाइम पे बारिश बहुत ही होती है केरल में, और कभी कभी बारिश ऐसी होती है कि 2-2, 4-4 दिन तक लगातार ही बारिश होती है। लेकिन मुन्नार को देखने का असली मज़ा आपको मानसून के टाइम पे ही आएगा, मज़ा आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे है ठेकरी। ठेकरी भी केरला में ही आता है, और ठेकरी आई एम श्योर कि ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में तो मैक्सिमम लोगों को ठेकरी के बारे में पता नहीं है। लेकिन ठेकरी मुन्नार से 92 किलोमीटर्स आगे है, और ये भी बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पे एक पेरियार टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है, वहाँ उसी के अंदर एक पेरियार लेक है, तो उसमें बोटिंग होती है। और जब आप उसमें बोटिंग के लिए जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैन वर्सेज वाइल्ड का कोई वो चल रहा है, सीरीज चल रहा है। इतना मज़ा आएगा आपको, आप जंगलों के बीच होते हुए लेक में जाओगे, और साइड साइड से आपको जंगली जानवर दिख रहे होंगे, इसी के लिए मेनली वहाँ पे लोग जाते हैं। और अगर आप पेरियार नेशनल पार्क के अंदर रुकना चाहते हो एक अलग एक्सपीरियंस के लिए, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। अंदर में बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह हैं, और नॉर्मली बहुत लोग वहाँ पे रुकते भी हैं। वैसे तो जब मैं गया था वहाँ पे, तो मैं उसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने बाहर ही होटल लिया था। नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट जो एक्सपीरियंस हो वो माइंड ब्लोइंग होगा। तो ठेकरी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और इसके अलावा वहाँ पे जंगल सफारी कर सकते हो आप, एलिफेंट राइडिंग कर सकते हो, बाम्बू राफ्टिंग कर सकते हो। अगर आप मुन्नार से ठेकरी जा रहे हो तो आप कुमली एक जगह आती है, आप वहाँ पे उतर जाओ, वहीं पे होटल ले लो, और वहीं से फिर आप आगे की, क्योंकि कुमली से ठेकरी समझ लो आसपास ही है। और जो तीसरा प्लेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक बीच है जिसका नाम है वर्कला बीच, और इस बीच के बारे में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। बड़ा ही आइसोलेटेड बीच है, यहाँ पे ज़्यादा करके फॉरेनर्स ही आपको मिलेंगे, यहाँ पे इंडियंस बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। साउथ में अगर आप बीच की अगर बात करें तो नॉर्मली लोग गोवा में ही जाते हैं बीचेस के लिए। इस बीच की खास बात यह है कि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल ब्लू वाटर है, और क्लिफ बीच है ये। क्लिफ का मतलब होता है, आप समझ लो, एक चट्टान या पहाड़ समझ लो छोटा सा। तो वर्कला में एक साइड से पूरा लाइन से कैफ़ेज़ वगैरह हैं, और इधर ही होटल वगैरह हैं, और यहाँ पे बाय द वे आप किसी कैफ़े में यहाँ पे बैठे हो तो एकदम सामने समंदर है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि वो जो व्यू है वो कितना प्यारा होगा, और कितना अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना। तो वर्कला भी मस्ट विज़िट प्लेस है, वहाँ पे आप ज़रूर जाओ। अगर आप वर्कला जाना चाहते हो तो आपको पहले पहुँचना होगा त्रिवेंद्रम, केरला की जो कैपिटल है, जिसे आप तिरुवनंतपुरम कहते हैं। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, त्रिवेंद्रम ही बोलता हूँ मैं। तो आप त्रिवेंद्रम पहुँचो, और वहाँ से 1 घंटा, अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो लगभग आपको 1 घंटा लगेगा वर्कला बीच पहुँचने में, और बाय बस भी जा रहे हो तो तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि थोड़ा जाम वाम आपको मिलेगा वहाँ पे। और चौथा है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख एज यू ऑल नो कि वो इंडिया में कितना पॉपुलर है, और कितना ज़्यादा क्रेज है बाइकर्स के बीच में लेह लद्दाख जाने का, और नॉर्मली लोग वहाँ पे बाइक से ही जाना पसंद करते हैं। और लेह लद्दाख मेरे हिसाब से भी बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया का है। तो लेह लद्दाख अगर आपको जाना चाहते हैं तो 2 रूट है वहाँ जाने के, एक तो शिमला होके आप जा सकते हो, और दूसरा है मनाली रोहतांग पास होके। मैक्सिमम लोग मनाली टू लेह होके जाते हैं, जो मनाली से जो लेह का जो रास्ता है वो बड़ा ही प्यारा रास्ता है। तो मनाली से होते हुए आप लेह जाओ, और लेह से
तकरीबन 28 किलोमीटर लद्दाख है, बट दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है, लेह लद्दाख। बट लेह से लद्दाख का डिस्टेंस 28 किलोमीटर है। तो वहाँ पे घूमने के लिए है पेंगोंग लेक है, मोनेस्ट्री है, मैग्नेटिक हिल है, और भी बहुत सारे बौद्ध धर्म के मंदिर वगैरह हैं लेह लद्दाख में। और लेह लद्दाख का जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। मनाली से लेह का डिस्टेंस है 472 किलोमीटर। अगर आप बाइक से वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो आप बस भी जा सकते हो, तो वहाँ से बसें भी चलती है लेह लद्दाख के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप बाय बस जाना चाहते हो मनाली से या फिर बाइक से जाना चाहते हो। और पाँचवें नंबर पे है स्पीति वैली। स्पीति वैली मनाली से है 196 किलोमीटर। स्पीति वैली भी आप मनाली से चाहें तो बाय बस जा सकते हो या फिर बाइक से भी जा सकते हो। और स्पीति वैली में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, सालों भर वहाँ पे लगभग माइनस में टेम्परेचर होता है। बेस्ट टाइम है जाने का जब यहाँ पे गर्मी पड़ रही हो ना कड़ाके की, तब आप वहाँ पे जा सकते हो स्पीति वैली घूमने। स्पीति वैली में घूमने के लिए है चंद्रताल लेक है, सूरजताल लेक है, टाबो मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री है, कुंजुम पास है, और स्पीति वैली भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये भी मस्ट विजिट प्लेस है इंडिया में फिलहाल। और छठे नंबर पे है ऋषिकेश, माय पर्सनल फेवरेट। तो ऋषिकेश दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर है, और अगर आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार। तो आप वहाँ पे हरिद्वार पहुँच जाओ, तो आप हरिद्वार पहुँच के वहाँ से ऑटो या फिर बसेस ले सकते हो, रोडवेज वाली बहुत बसें चलती है ऋषिकेश तक के लिए। वहाँ से एक घंटे में आप ऋषिकेश पहुँच जाओगे। और दिल्ली से अगर आप हो तो दिल्ली से डायरेक्टली ऋषिकेश भी जा सकते हो बाय बस या फिर ट्रेन का, तो जैसा मैंने बताया वैसे जा सकते हो दिल्ली से भी, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं दिल्ली से। तो ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है। यहाँ का वाइब्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और रिवर साइड बहुत कैफ़ेज़ है, वहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। और इसके अलावा ऋषिकेश में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि राफ्टिंग। तो मैक्सिमम लोग ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए ही जाते हैं, बंजी जंपिंग भी होता है वहाँ पे, साइकिलिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। और बहुत ही कमाल की जगह है ऋषिकेश, आपको मज़ा आएगा वहाँ पे भी। और सातवें नंबर पे है वाराणसी। वाराणसी 862 किलोमीटर है दिल्ली से, और यहाँ से आप, तो अगर आप दिल्ली से हो तो वाराणसी बाय बस भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, या फिर इंडिया में आप कहीं से भी हो तो वाराणसी स्टेशन आराम से आ सकते हो। बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं ऑल ओवर इंडिया से वाराणसी के लिए। तो वाराणसी फेमस, वहाँ पे भी गंगा नदी बहती है, और वहाँ पे 84 घाट है, जो कि आपको वहाँ पे 84 घाट घूमना चाहिए, मज़ा आएगा। उसमें से कुछ फेमस घाट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। 80 घाट वहाँ पे जो सुबह में आरती होती है वो आपको नहीं मिस करना चाहिए। दशाश्वमेध घाट वन ऑफ द फेमस घाट, दशाश्वमेध घाट पे भी रात में शाम के टाइम पे आरती होती है, वो आपको नहीं मिस करना चाहिए। और वहाँ पे एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे 24/7 लोगों का दाह संस्कार होता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसके अलावा। तो वाराणसी भी बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही सही जगह, और बहुत ही मज़ा आया था वाराणसी में। वाराणसी मैं गया था 3-4 दिन के लिए, लेकिन एक हफ्ते वहाँ पे मैं रुक के आया था। तो वाराणसी भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है, और आई होप कि जून के एंड तक सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो 2020 में ये सारे प्लेसेस आपको घूमने हैं, ये टास्क है आपके लिए 2020 का। फिर जब ये आप घूम लोगे, फिर अगले साल 2021 में बाकी प्लेसेस के बारे में बताऊंगा मैं। तो लेह लद्दाख और स्पीति वैली को छोड़ के जितनी भी जगह मैंने आपको बताई है वहाँ पे मैं खुद गया हूँ, और उन सब का ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है। सारे ब्लॉग्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्टे एट होम। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कब तक ठीक होगा, घर में बैठ बैठ के अब दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कितने प्लान्स थे इस साल मेरे।